हाय, स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार, आपका अपना ही चैनल स्टॉक एडवाइस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंट्राडे का। बहुत ही अच्छा स्ट्रेटजी है और ये सभी स्टॉक पे एक जैसा ही काम करता है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपकी सारी की सारी जानकारी समझ में आ सके। और फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले करता हूँ छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके तो बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं जो आज बात करने वाला हूँ, कुछ फिबोनाची नंबर पे मैं कुछ ईएमए लाइन लूंगा। वो ईएमए लाइन लेने से पहले मैं आपको बता दिया कि मैं वो जो ईएमए लाइन लूंगा वो क्या रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस जानते हो तो फिबोनाची नंबर एक होता है, फिबोनाची सीरीज का एक नंबर होता है। तो फ्रेंड्स, मैं इसी में से ईएमए लाइन लूंगा। मैं ये सारी चीजें फ्रेंड्स इसलिए बताता हूँ कि बिना लॉजिक मैं कुछ करता नहीं हूँ। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही पॉपुलर ईएमए लाइन का एक बहुत अच्छा स्ट्रेटजी है और बहुत अच्छा काम करता है। तो फ्रेंड देखिए, जो एक जो हम लोग लेंगे वो है 55 का, एक लेंगे फ्रेंड्स 34 का और एक लेंगे 13 का। बस में तीन ईएमए लाइन लेना है, 55, 34 और 13। ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेटजी है फ्रेंड, मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा काम करेगा। और ये फ्रेंड्स, मैं फिबोनाची नंबर क्या होता है थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे दूँ। तो फिबोनाची नंबर फ्रेंड्स क्या होते हैं कि देखिए, एक जो नंबर है ना, एक दूसरे से मिलके बना, यहाँ तक छोड़िए, इसके बाद एक दूसरे से देखिए, वन वन जोड़ेंगे तो टू होगा, टू वन को जोड़ेंगे तो थ्री होगा, थ्री टू को जोड़ेंगे तो फाइव होगा, देख रहे हैं ना, फाइव थ्री को जोड़ेंगे तो एट होगा, देख रहे हैं, एट फाइव को जोड़ेंगे तो 13 होगा। इसी तरीका से फ्रेंड्स ये फिबोनाची नंबर हम लोग को मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है ये फिबोनाची नंबर के। मैं जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर मैं जो सीरीज लाऊंगा तो वहाँ पे सारी चीज़ें पे मैं डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड्स, तो अभी मैं बताया कि मैं जो ईएमआई लाइन ले रहा हूँ, एक किस लिए ले रहा हूँ, तो ये फिबोनाची नंबर है और फिबोनाची रिट्रेसमेंट बहुत अच्छा काम करता है। तो मैं इसी पे ईएमआई लाइन पे आज हम लोग काम करेंगे और साथ में दो इंडिकेटर और होंगे। तो फ्रेंड, जो दो इंडिकेटर और होंगे वो है आरएसआई और एमएसईडी, जो कि मैं वीडियो बना चुका हूँ और वो सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फ्रेंड, जो अभी तक डाइवर्जेंस का सीरीज नहीं देखे हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल पे चले जाइए और एक एक करके डाइवर्जेंस का वीडियो देखिए। देखिए, एमएसईडी डाइवर्जेंस, बोलिंजर बैंड में हेकनासी, ये सारी की सारी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रेंड बनते ही बताने वाला इंडिकेटर, तो इसको जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत से लोगों ने इसको देखा है और सराहा है। और फ्रेंड्स, ये हेकनासी वाला भी जरूर देखिएगा, मैं इसमें कुछ अलग बात किया हूँ। तो फ्रेंड, जैसे आप लोग जानते हैं कि मैं कुछ अलग बात करता हूँ, कुछ अलग लॉजिक रहता मैं वीडियो लाता हूँ उसके पीछे। तो फ्रेंड, जैसे कि इसमें काम कैसे करना है, जो तीन ईएमए लाइन आप समझ रहे हैं, आरएसआई भी समझ रहे हैं और एमएसडी भी समझ रहे हैं फ्रेंड्स, आप देखिए, आपको तीनों के तीनों लाइन एक सीक्वेंस में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तीनों के तीनों लाइन एक सीक्वेंस में होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बात आती है कि तो तीनों के तीनों लाइन तो सीक्वेंस में यहाँ है तो यहाँ पे सेल कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं उसको बता दूं कि जब भी मार्केट ज्यादा गैप अप और गैप डाउन ओपन होगा वहां पे आप इस स्ट्रेटजी को अप्लाई नहीं कीजिएगा। और मैं बार बार बोलता हूँ कि जहां पे भी ज्यादा गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है तो वहां पे आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग का फ्रेंड्स कि मतलब आपको इंडिकेटर पे ट्रेडिंग नहीं करना। अब देखिए ना, यहाँ पे ये जो आरएसआई 90 डिग्री पे है, यहाँ पे क्या रीड किया होगा, तो सीधा सीधा 90 डिग्री पे आ गया ना आरएसआई, तो यहाँ पे फ्रेंड्स नहीं काम करेगा। ठीक है, हम लोग को ऐसा काम करनी है कि जो ज्यादा से ज्यादा सक्सेस होने की चांसेस बढ़ जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जैसे मार्केट खुला उसके बाद देखिए एक सिक्वेंस बनने का कोशिश किया है। ठीक है फ्रेंड्स, आप ध्यान दीजिएगा कि हम लोग को एमएसडी जीरो लाइन के नीचे तो होना चाहिए, जो हमारे ईएमए जो भी हम मैंने इसके बारे में जो वीडियो बनाए हैं एमएसडी के पे, तो जीरो लाइन के नीचे जब भी आएगा तो हम लोग को सीधा सीधा ये सेल करना है। ये लाइन सिक्वेंस में हो तो, ये लाइन जब सिक्वेंस में हो तो मैं ये भी बता रहा हूँ कि स्टॉप लॉस कहाँ पे होनी चाहिए और एग्जिट कैसा होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा वीडियो को आगे तक देखिएगा तो मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये यहाँ से हम लोग को एंट्री बन सकता था, सबसे परफेक्ट एंट्री इधर हम लोग को बन सकता था। ठीक है, और एक चीज मान लीजिएगा कि आरएसआई जो भी है ना, ये 50 के नीचे रहे तो बहुत अच्छा है, 50 के नीचे ही आरएसआई होना चाहिए, एटलीस्ट 50 के नीचे तो होना ही चाहिए। और अगर सुपर है तो 40 के नीचे चला जाए तो बहुत अच्छी बात है।
मिनिमम 40 के नीचे चला जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। और फ्रेंड देखिए यहाँ से सीधा सीधा ये मार्केट गिर रहा है, चलिए अच्छी बात है, थोड़ा सा मैं टाइम मिला लेता हूँ ताकि आपको बताने में सुविधा हो सके कि कहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था। देखिए यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, अभी ये हम लोग को सीक्वेंस में आया नहीं है, यहाँ पे आने की कोशिश किया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग एंट्री बनाएंगे और तब तक बनाए रहेंगे फ्रेंड्स जब तक कि दो रीजन है, चाहे तो अगर लाइन सटे सटे चल रहे हैं जैसे इस तरीके से भी ज्यादा गैप नहीं हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ज्यादा गैप नहीं हुआ है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि आपको एक जो बीच वाला लाइन है जो 34 का लाइन है उसको थोड़ा सा ऊपर लगा सकते हैं, जैसे हम लोग अगर इधर सेल करते तो हम लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए था। अब लाइन जैसे जैसे दूरी बढ़ाता जाएगा आपका स्टॉप लॉस जो है फ्रेंड्स सीधा सीधा को घट के, और मैं बता रहा हूँ कि जब तक स्टॉक 13 के लाइन के ऊपर नहीं क्लोजिंग देता, जैसे यहाँ पे देखिए ये ऊपर जाने की कोशिश किया मैं क्लोजिंग ऊपर नहीं दिया है, जब 13 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो आप एग्जिट कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, या आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा तो 13 के लाइन को भी थोड़ा सा ऊपर लगा के चलिए, 13 के लाइन का भी थोड़ा सा ऊपर लगा के स्टॉप लॉस चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या ये दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए वहां पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और अब एक बार जब प्रॉफिट में आते हैं तो उसको आप एकदम 13 के लाइन के जैसे ऐसे चलने लगा जो 13 के एकदम पूरा हार के चला, तो वहां पे आप सीधा सीधा 13 के थोड़ा सा ऊपर लगा दीजिए और सीधा सीधा आप प्रॉफिट ले सकते हैं। और फ्रेंड देखिएगा जब भी मैं बता रहा हूँ ना कि जब भी यह स्टॉक जाएगा तो 13 पे जाके टच करके आएगा, फिर 34 पे जाके टच करके आएगा, और बहुत ज्यादा अगर कुछ बुलिश दिखाएगा तो ये जो जो 55 की लाइन है इस पे जाके टच करके आएगा, जो कि हम लोग को आगे ये हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, देखिए ये गया स्टॉक यहाँ से, अब गया देखिए यहाँ से ही ये घूम के अब सीधा सीधा फिर नीचे आने शुरू हुआ, देखिए मैं क्या बोल उसी को टच करके अब सीधा सीधा नीचे आ गया, मैं फिर बता रहा हूँ देखिएगा फिर जाएगा, देखिए 13 की लाइन को टच किया टेस्ट किया और फिर नीचे, फिर देखिए जब ये इस पूरा का पूरा इसको ऊपर चल गया तो देखिए अब ये ऊपर जाएगा, जब ऊपर से आएगा तो देखिए 13 के लाइन को टच करेगा, बहुत ज्यादा बेरिस दिखाएगा तो इस पे आके टच करके जाएगा, और बहुत ही बेरिस दिखाएगा तो इस पे टच करके जाएगा, तो फ्रेंड्स इसको आपको देखना है, और जब भी कुछ अच्छा बुलिश रहेगा तो 13 के लाइन पे सपोर्ट लेते रह जाएगा, तो आपको एक सीक्वेंस देखना है उसके बाद, जैसे इधर देखिए आपको ठीक है, तो ऐसे में फ्रेंड्स देखिए ऐसे में स्टॉप लॉस हो सकता है, तो यहाँ पे आप एमएससीडी को भी थोड़ा सा देखिएगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, देखिए एमएससीडी आपको सीधा सीधा ये सॉरी फ्रेंड्स एमएससीडी आपको सीधा सीधा यहाँ पे ये रेंज बाउंड दिखा रहा था, यहाँ पे कोई ट्रेड ही नहीं बनता है अगर आप एमएससीडी को देखे या आरएसआई को देखे तो, ठीक है, तो एमएससीडी या आरएसआई जब 40 के नीचे चला जाए तो और अच्छी बात है, देखिए ये आपका एमएससीडी यहाँ पे कुछ बता ही नहीं रहा है, देख लीजिए एमएससीडी यहाँ पे कुछ बता ही नहीं है, यहाँ पे एम आपको यहाँ भी ये पता चल रहा है, और फ्रेंड जब तीनों के तीनों ईएमए लाइन एक जगह हो जाए, तीनों के तीनों ईएमए लाइन जब एक जगह हो जाए ना तो वहां पे एक अच्छा वोल्टिलिटी आ सकता है, ऐसा भी अनुमान लगा सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख रहे हैं, जब तीनों के तीनों लाइन एक जगह पे आ गया मतलब कि एक वोल्टिलिटी आएगा और बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसके जो हाई था इसके हाई पे आप बाई कर सकते थे, तो ये एक अच्छा स्ट्रेटजी है और बहुत ही सिंपल है, और फ्रेंड्स मैं बता रहा हूं ठीक है, अब ये हो गया, अब जब ऊपर चला गया तो देखिए अब ये चाहे तो जिसको हटना था इधर जो बाई किया था यहां पे हटना था, ठीक है, या जब भी आपको जब एमएसडी में क्या बताया कि जब भी इतना बड़ा बन जाए तो मैं इस पे अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, जहां कुछ डाइवर्जेंस हो या ऐसा कुछ हो तो वहां पे आपको हटनी थी, या फिर देखिए यहां से फिर बना फिर आपका पोजीशन बना और सीधा सीधा फिर ऊपर गया, और देखिए ना 13 के लाइन को ही टच करके गया, ध्यान से देखने वाली बात यह है कि जो मैं बोल रहा हूं कि ये 13 के लाइन को ही टच करके आया टेस्ट किया फिर ऊपर गया, फिर देखिए यहां पे ही आके टच करके गया, देख लीजिए इसी को टच करके जा रहा है, देख रहे हैं आप, तो ईएमए लाइन इतना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए फ्रेंड्स कि एक क्योंकि फिबोनाची नंबर है, और फिबोनाची नंबर पे ईएमए लाइन लिया गया है, देख रहे हैं फिर ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, और सीधे अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो फिर देखिए डाउन ट्रेंड में चल दिया, देख रहे हैं जो ये जो 55 का जो ईएमए लाइन है अगर इसके नीचे क्लोजिंग पे क्लोजिंग हो गया मतलब कि स्टॉक चल दिया डाउन ट्रेंड में अब, और वहां से फिर देखिए डाउन ट्रेंड में चल गया, तो फ्रेंड्स ये सारी चीजों को आपको थोड़ा सा देखिएगा, और अगर आपका एमएससीडी जीरो लाइन के नीचे हो ये सारी चीजें अलग हो तो वहां पे ट्रेड थोड़ा सा अच्छा से कीजिएगा, तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रहा होगा,
और आप थोड़ा सा एमएसईडी और जो डाइवर्जेंस वाला वीडियो नहीं देखे हैं फ्रेंड्स, तो उसको जरूर देखिएगा। और मैं कुछ अलग चार्ट पे दिखाता हूँ, जैसे आज का देखिए कितना परफेक्ट सेटअप बना था और अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना था यहाँ पे, देख पा रहे हैं। उसके बाद फिर मैं आपको और दिखा रहा हूँ एसबीआई में, जैसे देखिए एसबीआई में, तो फ्रेंड्स देखिए कितना अच्छा सा सिक्वेंस में था, वो कितना अच्छा से देख लीजिए। तो फ्रेंड्स इतना जबरदस्त यह स्ट्रेटजी है, इसको आपको यूज करने आना चाहिए। और यही सारी चीजें फ्रेंड्स मैं अपने ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। और फ्रेंड्स मैं आने वाले दिनों में स्विंग पे भी लाऊंगा, स्विंग ट्रेडिंग पे भी स्ट्रेटजी लाने वाला हूँ, कमोडिटी पे लाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मैं जो भी वीडियो डालूँ तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल सके कि आप मैंने कौन सा वीडियो अपलोड किया, कब किया, ये सारी जानकारी आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स आपको कुछ भी डाउट होता है, लेकिन यहाँ पे भी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट ही दिया है, उसके बाद ही ऊपर जाके टच किया 13 के लाइन को। तो ये फ्रेंड्स इस तरीका से इस पे काम करना है। और जब तीनों लाइन एक जगह मीट हो रहा है ना, तो वहां पे थोड़ा सा सतर्कता बरतिएगा, क्योंकि एक अच्छा मूवमेंट आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और वैसे पे ट्रेड कीजिएगा, एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग अच्छा खासा मूवमेंट पे ये स्ट्रेटजी काम करेगा, और ये जब सीक्वेंस में रहे तभी काम कीजिएगा। और मैं अलग चार्ट दिखाता हूँ, सन फार्मा देख लीजिए, थोड़ा रिलायंस को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए रिलायंस में भी बहुत अच्छा खासा काम कर रहा है, देख लीजिए। ठीक है, अब जब देखिए यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया, ऐसे में आप इस पे ट्रेड मत कीजिएगा। ऐसे में आप इस पे देखिए प्रॉफिट बना, अलग चीजें हैं, ऊपर गया अलग चीजें हैं, मगर ऐसे में आपको इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करे तो अच्छा, यहाँ पे प्राइस एक्शन ज्यादा काम में आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही सारी चीजें मैं अपने ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में बात करता हूँ, इसी तरीका के स्ट्रेटजी पे इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, ये सारी चीजें पे मैं बात करता हूँ। और देखिए कितना जबरदस्त तरीका से चलता है, तो देखिए कितना जबरदस्त तरीका से काम करता है। देखिए 1100 से सीधा सीधा कहाँ गया, देख रहे हैं, देखिए ये यहाँ से रेंज बाउंड चल रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। देखिए ये जब डाउन ट्रेंड में था तो देखिए कैसे एक जगह पे आया, फिर उसके बाद नीचे गिरना शुरू हुआ, चलिए कोई बात नहीं है, बात समझ पा रहे हैं। देखिए ऊपर चलना शुरू किया, देखिए ऊपर चल गया। तो फ्रेंड्स इस तरीका से एन स्ट्रेटजी काम करना है, और आपको बस यही देखना कि जब सेल कर रहे हो तो 0 लाइन के नीचे एमएसईडी होना चाहिए, और आरएसआई अगर 40 के नीचे हो तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा सिग्नल रहेगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे तो ऐसे में आपको काम करना है, जबरदस्त प्रॉफिट देगा, बात समझ पा रहे। तो फ्रेंड्स आपको इसी तरीका से आपको काम करनी है, इसी तरीका पे आपको प्रॉफिट बनेगा फ्रेंड्स। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और फ्रेंड्स जाते जाते मैं जो बता रहा हूँ वो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। मैं इसमें हकनासी वाला और फ्रेंड्स मैं जो एमएससीडी का डाइवर्जेंस और बोलिंजर बैंड के बारे में जो बताया, और सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि सब तो काम कर लेंगे, मगर 1:4 का रणनीति ही नहीं जाने तो क्या वीडियो देखें, बात समझ रहे हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जाते जाते अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, और जाते जाते फ्रेंड्स ये दो वीडियो जो आपके इंड स्क्रीन पे आ रहे हैं इसको जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स आपका दिन शुभ हो, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।